हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मास्क पहनकर और अपने साथ एक सैनिटाइजर की बॉटल लेकर ही बाहर निकल रहे होंगे, बिकॉज फ्रेंड्स इस टाइम कोरोना केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका है। तो अब तो अपनी सेफ्टी अपने ही हाथों में है, तो अपना ध्यान रखिए और मास्क और सैनिटाइजर जरूर अपने साथ में रखिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन। इसमें ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें इंक्लूड है इंट्रोडक्टरी पार्ट, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 एंड बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3। और आज हम बात करेंगे बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जल्दी से 1K करा दीजिए ताकि कुछ एक्साइटिंग सा करें, कुछ नया कुछ एक्साइटिंग सा करेंगे अगर 1K हो जाते हैं। और ये सब पॉसिबल सिर्फ आप लोगों की वजह से ही होगा, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 और ये किस कंडीशन में यूज होता है। फ्रेंड्स, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 एक बहुत ही ज्यादा कॉमन कंडीशन में यूज होता है जिससे आई थिंक अराउंड 80% ऑफ द पीपल आर सफरिंग राइट नाउ इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है और ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। इस कंडीशन का नाम है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन। इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन आपको बच्चे, बूढ़े या बड़े किसी में भी देखने को मिल सकता है। इसके जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि पेशेंट बोलता है कि स्टूल पास नहीं हो रहा है, 3 डेज में हम लोग को स्टूल पास हो रहा है, या फिर हम जाते तो रोज है लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड, या फिर दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है बट नथिंग्स कम आउट। तो दोस्तों, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जो आपका इंटेस्टाइन यानी कि जो आपकी आते हैं उसमें सूखापन यानी कि ड्राइनेस आ जाती है जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है और जो स्टूल है वो रेक्टम तक इजिली नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अपनी ड्राइनेस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इम्प्रूव हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन की हाफ प्रॉब्लम तो यहीं पर ही सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिपेशन है इसके जो रीजंस हैं वो मेनली 5 to 6 रीजंस हैं, लेकिन अगर आप इनको ही करेक्ट कर लेते हैं तो हाफ प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी और जो बचा हुआ होगा वो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 ऑलरेडी ठीक कर ही देगा। तो देखते हैं रीजंस क्या क्या हैं। दोस्तों, जो इसका फर्स्ट रीजन है वो है जंक फूड, बाहर का खाना खाना, फैटी फूड खाना जो कि इजिली एब्जॉर्ब और एसिमुलेट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है। दोस्तों, जो इसका दूसरा रीजन है वो है पानी कम पीना जिसकी वजह से आंतों में ड्राइनेस आ जाती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता है। दोस्तों, तीसरा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि बैठे रहना। दोस्तों, इसका जो फोर्थ रीजन है वो है एक्सरसाइज, यानी कि कुछ भी भाग दौड़ या एक्सरसाइज का काम ना करना जिसकी वजह से भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए बच्चों की तो बच्चों में एक बहुत ही कॉमन डिसीज देखने को मिलता है जिसका नाम है हर्षवंग डिसीज, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखी जाती है। बड़ों में इसका रीजन हाइपरकैल्सीमिया यानी कि आपके खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होना। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का जो सेकेंड रीजन है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब थायरॉयड लेवल आपकी बॉडी में कम है। इसका जो थर्ड रीजन है वो है डायबिटीज, यानी अगर आप शुगर, आपकी ब्लड लेवल में शुगर ज्यादा है और आप इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन से भी सफर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, और जो नहीं होता है उसके लिए हमारे पास बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 है ही। तो देखते हैं आगे कि क्या है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 में ऐसा जो ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहा है। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 5 मिनरल से मिलकर बना है जो कि डॉक्टर सुशलन ने दिए हैं। इसमें जो फर्स्ट मिनरल है वो है कैल्केरिया फ्लोर, सेकंड कैल्केरिया फॉस, थर्ड काली म्यूर, फोर्थ नेट्रम्यूर एंड फिफ्थ सेलेशिया।
इसमें जो फर्स्ट मिनरल है कैल्केरिया फ्लोर, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जहां पर आपके इंटेस्टाइन की इलास्टिसिटी यानी कि वहां पर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो उसका खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे कैल्केरिया फोर वहां पर बहुत बढ़िया काम करेगा। सेकेंड मेडिसिन इसमें है कैल्केरिया फोर्स। दोस्तों कैल्केरिया फोर्स अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यूरिंग डेंटिशन, मतलब जब उनके दांत निकल रहे हैं, अगर उस टाइम पे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उस टाइम कैल्केरिया फोर्स बहुत ही बढ़िया काम करता है। दोस्तों जो इसमें थर्ड मिनरल है वो है कैलीम्यूर। दोस्तों कैलीम्यूर, जहां पर आपने फैटी फूड्स बहुत ज्यादा खाए हुए हैं उसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वहां पर कैलीम्यूर बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों इसमें जो फोर्थ मिनरल है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। नेट्रम्यूर वहां मिलता है जहां पर पानी होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का जो रीजन है कि अपने इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आ गई है, मतलब कि पानी की कमी है, तो अगर हम नेट्रम्यूर लेते हैं, अगर अपनी बॉडी में सॉल्ट जाएगा तो फिर वाटर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो इसी वजह से नेट्रम्यूर बहुत बढ़िया दवाई है कॉन्स्टिपेशन के लिए। दोस्तों इसमें जो लास्ट मेडिसिन है वो है साइलेशिया। साइलेशिया एक बहुत ही बढ़िया दवाई है उस कॉन्स्टिपेशन के लिए जहां पे आप जब आप स्टूल पास करते हैं तो वो वापस से अंदर चला जाता है या फिर आपको फिंगर की हेल्प से उसको निकालना पड़ता है। और दोस्तों अगर फीमेल्स में मेंसेस के टाइम पे या फिर उससे पहले कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो उस केस में साइलेशिया बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों पांचों ही मिनरल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और इन्हीं पांचों कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4, जो कि एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 जरूर आप लें और आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 अगर आप एडल्ट हैं तो आप 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, और अगर बच्चे का केस है तो उस केस में आप 2-3 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। अब देख लेते हैं आप मिलेगा कहाँ पर। दोस्तों आप किसी लोकल होम्योपैथिक फार्मेसी शॉप पर जाकर बोलेंगे कि मुझे 4 नंबर की दवाई दें, तो वो आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 देंगे जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। और अगर बाय चांस वो आपको उधर नहीं मिलता है तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसको ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब 1K हो जाए तो कुछ एक्साइटिंग करें। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लें ताकि जब कल बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 पर वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। फ्रेंड्स थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।